दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर हमें एक न्यूज़ सर्कुलेट होते हुए देखने को मिली थी, जिसको लेकर हमने आपके साथ यहाँ पर एक वीडियो भी शेयर करी थी, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड को जो कि एएसएम लिस्ट के अंदर वापस इंक्लूड किया गया है, जिसके कारण हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जो इंट्राडे सेशन था वो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें या फिर साथ ही साथ DII की बात करें तो वो अपने स्टेक को जब तक शेयर एएसएम लिस्ट के अंदर रहता है तब तक वो सेल आउट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो इस कैटेगरी में अगर फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अपने माल को बेच नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर FII, DII और साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी हमें आते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन सारी न्यूज़ को कवर करते हैं और जानते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का ट्रेडिंग चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर लगभग 2.25% की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। और इसी के साथ अगर हैप्पीएस्ट माइंड के अगर आप वॉल्यूम बेस्ड काम की तरफ भी नज़र मारेंगे तो हैप्पीएस्ट माइंड का वॉल्यूम बेस्ड काम भी काफ़ी ज़्यादा तक यहाँ पर कम हो गया है। इसके पीछे का रीज़न ऑलरेडी आपको यहाँ पर पता है कि शेयर्स एएसएम लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसपे सेबी इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसको देखते हुए हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर अभी आपको इंट्राडे सेशन पूरी तरीके से बैन होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन शेयर्स जैसे ही एएसएम लिस्ट के बाहर आएगा वापिस आपको यहां पर वॉल्यूम जो आपको यहां पर एएसएम लिस्ट के पहले लगभग 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ क्वांटिटी तक देखने को मिलती थी वही सब यहां पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड के 28 जुलाई 2021 तारीख बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि 28 जुलाई 2021 के दिन कंपनी अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस करने वाली है। साथ ही साथ जिन शेयर होल्डर्स को नहीं पता है उन्हें मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आईटी सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी जिसने लिस्टिंग के बाद से ही अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 4 गुना रिटर्न्स यहाँ पर बनाकर दे चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ से क्या बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको यहां पर तारीख बता देना चाहता हूं, 21 जुलाई 2021 यानी कि आज ही के दिन की यह बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसमें अराउंड 1.35 लाख स्मॉल इन्वेस्टर्स इंटर हैप्पीएस्ट माइंड इन जून क्वार्टर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर, जो यहां पर करंटली जून क्वार्टर एंड हुआ है, जिसका शेयर होल्डिंग्स पैटर्न यहां पर अपडेटेड निकल कर आई है, जिसमें 1,35,000 नए इन्वेस्टर यानी कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंप्लीट न्यूज़ कवर करें तो एट अ टाइम व्हेन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स लाइक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स एंड HNIs आर रिड्यूसिंग देयर स्टेक फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज सिम्स टू बी अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें या फिर साथ ही साथ HNIs की बात करें तो वो अपने यहाँ पर स्टेक को रिड्यूस कर रहे हैं यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इसी के अगेंस्ट रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी एक्साइटेड हमें देखने को मिल रहे हैं इस आईटी सेक्टर शेयर्स के अंदर। इवन एज द स्टॉक हैज बीन क्लाइंबिंग स्काई हाई, ऑलमोस्ट 1.35 लाख न्यू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव एंटर्ड द स्टॉक ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड June 2021। देयर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 16.96% टू 23.02% ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक मार्च क्वार्टर तक हमें 16 यानी कि लगभग 17% के करीबन देखने को मिल रहा था, वो जून क्वार्टर एंड होने के बाद में लगभग 23% तक चला गया है। यानी कि डेफिनेटली इस आईटी सेक्टर के अंदर रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और लॉन्ग टर्म पर्पस से इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं अपडेटेड एएसएम लिस्ट यानी कि आज ही के दिन की जो अपडेटेड एएसएम लिस्ट है वो मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है, जिसमें 145 नंबर पर आपको हैप्पीएस्ट माइंड का नाम यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके एएसएम लिस्ट के अंदर जब से ही शेयर को इंक्लूड किया गया है तब से यहां पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव
खबरें फैलाई जा रही है, बहुत ज़्यादा रूमर्स यहाँ पर फैलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड ही नहीं बल्कि और भी कंपनियों की अगर हम बात करें जिसमें दिग्गज कंपनियाँ इंक्लूड्स हैं, एफली की बात कर लें या फिर और किसी कंपनी की बात करें, अडानी ग्रुप्स की कंपनीज की बात कर लें, साथ ही साथ टाटा ग्रुप्स की कंपनीज की बात कर लें, तो उन्हें भी एसएम लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। और एसएम लिस्ट के अंदर किसी भी अगर कंपनी को इंक्लूड किया जाता है तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि सेबी वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अगर कुछ भी फॉल्ट नहीं पाया जाता है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको हैप्पीएस्ट माइंड भी एएसएम लिस्ट के बाहर आते हुए देखने को मिल सकता है। और इसमें जो एक सबसे अच्छी बात यह है वो ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड को जो स्टेज में रखा गया है, यानी कि फर्स्ट स्टेज से लेकर इसके अंदर फिफ्थ स्टेज तक हमें देखने को मिलती है, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड को फर्स्ट स्टेज के अंदर रखा गया है। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट के पहले यानी कि 28 जुलाई 2021 के पहले तक हैप्पीएस्ट माइंड एसएम लिस्ट से भी बाहर आते हुए देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत शानदार न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। अब अगर यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड के हम यहाँ पर करंट ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो यहाँ पर आरएसआई लेवल और एमएफआई लेवल निकल कर आ रहे हैं उसे भी जान लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिसेंटली 16 जुलाई 2021 के दिन ही हैप्पीएस्ट माइंड ने नया 52 वीक का हाई अचीव किया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया भी था कि शेयर्स के अंदर अब आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और इसी को देखते हुए अगर आप यहां पर आरएसआई लेवल और एमएफआई लेवल को भी चेक करेंगे तो वो भी हमें यहां पर ओवरबोट जोन में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आप अभी हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको लॉन्ग टर्म पर्पज से आप करंट शेयर प्राइस से इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हैप्पीएस्ट माइंड का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस रहने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड के लिए कल का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 1547 रुपये का रहने वाला है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें जो 1470 रुपये का सपोर्ट लेकर आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। रिटेल इन्वेस्टर खासकर इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं और डेफिनेट जताना भी चाहिए, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर कंपनी आपको बनकर मिलने वाली है, क्योंकि साथ ही साथ रिटर्न ऑफ परसेंटेज के साथ ये कंपनी आपको कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी देखने को मिल सकती है, लाइक बोनस की बात कर लें, डिविडेंड की बात कर लें या फिर राइट इश्यू की बात कर लें। ऐसी और कुछ बड़ी अपडेट्स आपको आने वाले 1 से 2 साल में देखने को मिल सकती है, तो आपको यहां पर लॉन्ग टर्म पर्पस से बने रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।